हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों के सामने हम जो ये वीडियो लेके आए हैं, ये नीट के रिजल्ट के बाद का वीडियो है और ये आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन देगा कि जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स को कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है या कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है। टोटल इंडिया में मेडिकल की सीट्स कितनी हैं और बच्चे कैसे अपनी सीट को ऑप्ट कर सकते हैं, कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ मार्क्स आने के बावजूद, क्योंकि वो ज़्यादातर लास्ट ईयर के एनालिसिस से कंपेयर करते हैं। बच्चों, हर साल जो मेरिट होती है वो वैरी करती है, कभी कट ऑफ ऊपर जाता है, कभी कट ऑफ नीचे जाता है, डिपेंड अपॉन द पेपर। जो पेपर आया है वो पेपर इस बार का काफ़ी ईजी था, जिस वजह से इस बार का कट ऑफ जो है वो लास्ट पिछले कई ईयर से काफ़ी हाई गया है। तो बच्चे जिनका नंबर थोड़ा कम रह गया है तो उनको डीमोटिवेट और डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आज फर्स्ट स्लाइड में आपको ये बता रहे हैं कि टोटल अपियर्ड स्टूडेंट्स नीट में कितने थे 2019 में। पूरे ऑल ओवर इंडिया में नीट के स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हुए थे वो लगभग 15,19,375 स्टूडेंट्स जो है वो बेटा रजिस्टर्ड हुए थे। अपियर्ड उनमें से कई एबसेंट रहे होंगे किसी कारणवश, तो वो 14 लाख के अप्रॉक्स एबसेंट प्रेजेंट थे, अपियर्ड थे। 10 लाख के एबसेंट रहे हैं लगभग 1,08,620 स्टूडेंट्स। क्वालिफाइंग, अब क्वालिफाइड जो टर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये NTA साइट ने यूज़ किया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार एग्ज़ाम कराया था, वो ये था कि क्वालिफाई का मतलब है कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनको किसी न किसी रूप से कॉलेज मिल सकता है, वो प्राइवेट कॉलेज हो, वो NRI कोटे से कॉलेज हो या किसी भी डोनेशन के थ्रू कॉलेज हो, वो सारे स्टूडेंट्स जो इस क्राइटेरिया में कॉलेज पा सकते हैं या अपने आप को काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं उनको ये क्वालिफाइंग बोलते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब कतई बच्चे ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा या आप कॉलेज को ऑप्ट ही कर लोगे। क्वालिफाइंग से कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो लगभग 7,97,042 स्टूडेंट्स को इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में रखा है। कैसे रखा है इसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन देखते हैं। देखिए, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है इनका, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है बेटा, ये जनरल कैटेगरी जिसको मैंने अदर्स लिखा है वो 50% इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया माना है। तो जिन बच्चों के जो परसेंटाइल होता है वो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ कि टॉपर्स के क्या मार्क्स हैं, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स के आधार पर इन्होंने जो 50% परसेंटेज इज नॉट ए डिफरेंट थिंग, परसेंटाइल इज ए डिफरेंट थिंग। परसेंटाइल जो है वो टॉप स्टूडेंट के मार्क्स के बिहाफ पर लेते हैं, उसे 100% जिसे हम परसेंटाइल कहते हैं, और उसके बिहाफ पर फिर परसेंटाइल क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाता है। तो जो 50% है वो टॉप स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे बेटा इस साल वो 701 मार्क्स थे, उसके उस बच्चे के 701 मार्क्स थे आउट ऑफ 720, तो इन और उससे लेकर 134 तक के जो मार्क्स रेंज है वो 134 से 701 तक जो भी स्टूडेंट्स सारे आए हैं वो 50% क्राइटेरिया में क्वालिफाई हुए हैं, और उन स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो लगभग 7,04,335 के आसपास है। काफ़ी नंबर स्टूडेंट्स बच्चों का है जो क्वालिफाई हुए हैं, पर ये कॉलेज सभी लोग नहीं पाएंगे, ये डेफिनेट है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में नंबर ऑफ सीट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 30,000 सीट्स के आसपास रही हैं। इस साल गवर्नमेंट ने 5,000 सीट्स का इंक्रीमेंट दिया है, कई मेडिकल कॉलेज में सीट्स कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, उसकी वजह से ये लगभग 5,000 इंक्रीमेंट हुआ है, तो लगभग 35,000 के आसपास आप सीट मान सकते हैं जो मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को मिलेंगी। तो ये फिगर काफ़ी हाई है, इसलिए ये सारे बच्चों को मिलने की संभावना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अदर बैकवर्ड कोटा जो होता है उसके अकॉर्डिंग 40% उन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है। SC में 40% है, ST में 40% है, UR एंड PH कोटे में 45% है, OBC एंड PH कोटे में 40% है, SC PH कोटे में 40% है, ST एंड PH कोटे में 40% है। इसके बिहार पर इन्होंने मार्क रेंज दिया हुआ है,
और इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कैंडिडेट्स जो सारे हैं वो टोटल वही फिगर आ जाता है जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का फिगर था। ठीक बच्चों, तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से कि आप वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइंग को समझ रहे हैं कि हम सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि पहले कि टोटल मेडिकल कॉलेज जो ऑल इंडिया में हैं वो कौन कौन से हैं, या स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो कितनी सीटें किस स्टेट में हैं, जिससे कि हमें कौन सा हमें किस नंबर तक या किस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तक हमें कॉलेज मिलने की संभावना है। देखिए, ये एक स्टेट वाइज जो है हमने ये आपको ये जो चार्ट बनाया है ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है जरा समझेंगे। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की जो ऑल इंडिया रैंक, एक आपको ऑल इंडिया रैंक आपको डिफाइन होगी, वो ऑल इंडिया रैंक आपको सपोज 50,000 आती है, तो बेटा ये डिपेंड 50,000 है, इससे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि वो स्टूडेंट किस स्टेट से बिलोंग करता है, उस स्टेट में कितने स्टूडेंट्स ने ये कॉलेज ये एग्ज़ाम दिया था या कितने स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आ रहे हैं। सपोज़ उसके उस स्टेट में वो उसकी जो रैंक आ रही है वो उसकी रैंक हो सकता हो वो 100 हो, 500 हो, 5000 हो, 200 हो, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उससे ऊपर उस 50,000 रैंक जिस स्टूडेंट की है उस 50,000 के ऊपर जो भी स्टूडेंट हैं वो उसके स्टेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आप स्टेट फॉरवर्ड ये किसी को नहीं बता सकते कि आपको कॉलेज मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हायर रैंक के बाद भी उनको कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि उनके स्टेट्स से क्वालिफाई होने वाले या सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स या कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आने वाले स्टूडेंट्स का नंबर कम होता है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं लेंगे। जैसे आप देखें अंडमान निकोबार में है 1063, अब यहाँ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया है उन्होंने 987 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ स्टूडेंट का नंबर बहुत कम है, नंबर कम है। और इन स्टूडेंट्स में किसी का अगर मान लीजिए अच्छी रैंक जो रैंक आ रही है ऑल इंडिया रैंक में, भले वो ज़्यादा रैंक हो पर इन स्टूडेंट्स में अगर उसकी रैंक अच्छी है तो उसको कॉलेज में डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वहां भी मेडिकल कॉलेज है। इस हिसाब से ये चार्ट मैंने बना रखा है, किसी स्टूडेंट को अपने स्टेट का देखना हो तो देख सकता है। जैसे बिहार में लगभग 83,814 स्टूडेंट्स ने दिया है, चंडीगढ़ में 1,657 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 28,391, ये जो ऐसे स्टेट्स हैं दादर नगर हवेली में 619 स्टूडेंट्स ने ही रजिस्टर किया था, इसमें 604 ही अपीयर हुए। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं, दमन दीप में 312 स्टूडेंट्स ने दिया है, जहां बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया है। तो यहां जो AIR कोटा अगर आपका देख रहे हो तो वो AIR ऑल इंडिया में रैंक जो है उसके हिसाब से आपको स्टेट कोटे से आपके स्टेट कोटे से कॉलेज मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जो अपीयर हुए हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक, तो पहले ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टोटल जो सीट्स हैं, जैसे ये दूसरा भी आप देख लीजिए सारे स्टेट्स का ही है, स्लाइड्स को आप एक बार रोक के देख सकते हैं आपके स्टेट्स का जो भी होगा, थोड़ा आप उससे गैस भी लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके स्टेट में एग्ज़ाम को दिया था या कितने स्टूडेंट्स आपके इस एग्ज़ाम को अपीयर हुए हैं या रजिस्टर्ड उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, इसके बाद मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि नीट 2019 में कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हाईएस्ट या टॉप 10 रैंक्स में अपनी रैंक गेन करी है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ननिल खंडेलवाल है बेटा, ये अनरिजर्व है, इनको 701 मार्क्स मिले हैं, इनका 99.99% ये इसको 100 मान लेते, ये जो परसेंटाइल स्कोर है ना ये 99.9999 ये फिगर जो है वो 100% को टच करता है। ठीक है, फर्स्ट रैंक हो गई नीट ऑल रैंक जो AIR रैंक है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर क्या है, फर्स्ट। अब इस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक भी फर्स्ट है, अपने स्टेट कोटे में भी फर्स्ट होगी क्योंकि इस स्टेट में भी ये फर्स्ट रैंक को गेन करेगा। भाविक बंसल लड़का है, इसकी सेकेंड रैंक आई है, दिल्ली का है, इसने एम्स में टॉप किया है। इस बच्चे का नीट आज ही एम्स का रिजल्ट आया है और इस बच्चे ने एम्स में भी टॉप किया है। अक्षत कौशिक, स्वास्थ्य भाटिया, अनंत जैन, भट्ट सार्थक, माधुरी ध्रुव, मिहिर और राघव, ये बच्चे हैं जो टॉप 10 स्टूडेंट्स के हैं, अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से है, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से। तो बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है।
तो ये सारे बच्चे थे जिन्होंने टॉप 10 में रैंक गेन करी है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो कॉलेज हैं। देखिए इससे पहले आप ये देखिए, इससे पहले आप ये देखिए टोटल सीट्स क्या है। टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी ये जो अभी थोड़े समय पहले का ही ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी 5000 सीटें बढ़ाई गई, उसके हिसाब से ये है कि अंडमान निकोबार में 100 सीट्स है। अब आप देखिए 100 सीट में, मैं आपको क्लियर कर दूं, 15% सीट जो है वो उसको स्टेट कोटा से, वो सॉरी ऑल इंडिया कोटा से मिलेंगी, और 85% जो है वो स्टेट कोटा से मिलेंगी। मतलब 15 सीट जो है इसकी ऑल इंडिया के लिए ओपन है, ऑल इंडिया कोटे से, राइट। और 85, अब इस 15 सीटों को ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट गेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, असलते उसकी रैंक अच्छी होनी चाहिए उन 15 स्टूडेंट से जो प्राप्त करने वाले से पहले होनी चाहिए, राइट। मेरी बात समझ में आ गई। 100 सीटों में 15 सीटें जो हैं वो ओपन है सभी स्टेट्स के लिए, 85 रिजर्व है किसके लिए, इसी स्टेट के लिए। अब अंडमान निकोबार में सपोज मान लीजिए 200 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, अब उस 200 स्टूडेंट्स में मान लीजिए एक स्टूडेंट की रैंक वो 50,000 है, वो 50,000 जो रैंक जिस स्टूडेंट की है वो पहला अपने स्टेट में रैंक पा रहा है, मतलब उसकी बाकी 199 स्टूडेंट से हाईएस्ट रैंक है, तो वो भले 50,000 हो फिर भी वो अपने स्टेट में अपना कॉलेज पा जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर रहे, आपके स्टेट से कितने कॉलेज स्टूडेंट्स आपसे ज़्यादा रैंक पाए हैं या आपसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, वो स्टूडेंट्स जो आपसे अच्छी रैंक पाए हैं या आपसे अच्छे मार्क्स पाए हैं उनको आपसे कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, बस ये है। हो सकता हो वो आप अपने स्टेट में ना लेके कहीं अदर स्टेट में ले लें तो वो आपके लिए सीट वैकेंट हो जाएगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप होप बनाए रखें, अगर आपने पाया है मार्क्स अच्छे तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना होगी, ठीक है ना। 1900 सीट्स आंध्रा में है, आसाम में 726 है, बिहार में 950 है, चंडीगढ़ में 100 है, छत्तीसगढ़ में 650 है, इसके बाद दिल्ली में 900 है, गोवा में 150 है। तो देखिए हर जगह मेडिकल कॉलेज, और कितने कॉलेज है इसको भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, टोटल 1 कॉलेज। आप अपने स्टेट्स का देख सकते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा देख लें आपके कॉलेज, आपका जो स्टेट है उसमें कितनी सीटें हैं आपके लिए। टोटल 30,455 ये सीट्स हैं, 216 मेडिकल कॉलेज हैं। इन्हीं मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं जिसकी वजह से 5,000 सीटें बढ़ जाने से वो टोटल 35,000 के आसपास सीट्स हो जाती हैं। अपने स्टेट्स को चेक करिए, अपने कॉलेज की, अपने स्टेट की सीट्स देखिए कितने कॉलेज हैं, इसको आप देख सकते हैं इस चार्ट में दिया हुआ है, राइट। क्लियर है बच्चों? अच्छा, जो मैं कह रहा था कि ऑल इंडिया कोटा, तो जो ऑल इंडिया कोटा है उससे आपको 15% ओपन है फॉर ऑल। तो जैसे अंडमान निकोबार में 100 सीटें थी तो 15 सीटें देखिए यहां पर आ रही, ऐसे आंध्रा में जो सीटें थी उसकी 15% यहां आ जाएंगी, आसाम में जो सीटें थी उसकी 15% आ जाएंगी। तो ये सारे जो कॉलेज स्टेट्स हैं इनके सारे 15% सीट्स यहां पर आ जाएंगी, ये जो ऑल इंडिया कोटा से जो सबके लिए है। अगर इनको टोटल जोड़ा जाए तो देखिए लगभग 4,129 सीट्स जो है ये सबके लिए है, 4,129 सीट्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। इसमें कोई भी स्टूडेंट इस रैंक के इस कॉलेज को पा सकता है, बशर्ते उसकी रैंक इसके अंदर होनी चाहिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जो इन टॉप 4,000 में हैं वो ऑल इंडिया से ना लेकर अपने स्टेट से लेते हैं तो वो फ्री हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएंगी। तो ये तो एक सीधी सी बात हो गई। दूसरी बात, 85% जो 85% रेस्ट सीटें हैं वो स्टेट से मिलेंगी, वो रिजर्व है। मतलब अंडमान निकोबार का ही जो स्टूडेंट होगा उसकी भले कितनी भी रैंक हो लेकिन 85 सीटें उसे ही मिलेंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ गई बात? इसलिए जो अपने अपने स्टेट्स के स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये देखिए कि उनकी रैंक जो है वो अभी स्टेट की नहीं खुली है, क्योंकि अभी 19 जून से आपकी काउंसलिंग नीट की शुरू होने वाली है, लास्ट वीक ऑफ जून में अलग अलग स्टेटों में स्टार्ट होगी। तो स्टेट की जो काउंसलिंग है वो अभी नहीं, तो स्टेट की रैंक अभी आपको डिफाइन नहीं होगी, अभी आपको ऑल इंडिया की रैंक्स पता होंगी जो आपकी जो आपको मिली होगी ओमार उसमें रिजल्ट में आपके, राइट। तो ये देख लीजिए, ये 85% है और ये 15% है, राइट। और लास्ट में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सा एक मैंने
एक्सपेक्टेड वो बनाया है, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, BHU, MU, दिल्ली में DU है, इनमें भी सीट्स हैं और ये भी सभी के लिए ओपन है, ये भी नीट के थ्रू रिजर्व होती है। केवल एम्स ऐसा जो कॉलेज है उसकी एग्जाम अलग से होता है, जिपमर कॉलेज है उसका एग्जाम अलग से होता है, बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज है उन सभी की सीटें फिलिंग केवल और केवल नीट एग्जाम के थ्रू होती है बेटा। न केवल BMS, न केवल MBBS, बाकी अदर जो डिग्रीज हैं जैसे BMS, BDS, BHMS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और डेंटल, इनका भी सीटों का फिलिंग नीट के थ्रू होता है और इनके भी रजिस्ट्रार्स ने, आयुष जो है संस्था, उसने अपनी काउंसलिंग की डेट अनाउंस कर दी है। तो जिन बच्चों को MBBS नहीं मिलता और वो अलग अदर पैथी में जाना चाहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि वो दोबारा तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो वो इस एग्जाम उस नीट के थ्रू बाकी अदर पैथीज को यूज़ कर सकते हैं या अदर कॉलेजेस में जाके BMS, BHMS या BDS की पढ़ाई करके आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में ये जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में AIR जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 580 टू 590 तक ये मेडिकल कॉलेज पा लेंगे। और ये मैं ऑल इंडिया कोटे से बता रहा हूँ, स्टेट कोटे से नहीं बता रहा। OBC 570 580 के आसपास, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। SC 480 490 कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, लास्ट मार्क्स यहाँ तक प्राप्त करेंगे, और ST 450 440 भी हो सकता है, पर ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं जिसके जिन बच्चों को इस कॉलेज में मिलने की संभावना है। और लास्ट में ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेज जो ऑल इंडिया में हैं अपने, जिनको अपन अच्छे कॉलेजेस मानते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, इसको नीट के थ्रू आपको नहीं मिलेगा लेकिन टॉप नंबर 1 पे आता है, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा। KGMC बहुत बढ़िया कॉलेज है, लखनऊ का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, IMS बहुत बढ़िया कॉलेज है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इसको टॉप के स्टूडेंट्स लेते हैं, टॉप 50 स्टूडेंट्स इसमें आराम से प्राप्त करते हैं। आर फॉर्म AFMC कॉलेज है पुणे का, इसका पहले एग्जाम अलग होता था अब साथ में होता है। लेडी हार्डिंग है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एंड सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो ये सारे कॉलेज टॉप 10 जो मेडिकल कॉलेज इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं वो है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें डिस्कशन करेंगे काउंसलिंग कैसे कराएं और काउंसलिंग का क्राइटेरिया क्या है। थैंक यू।